सो वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ अपना ब्लॉग फ्रॉम माय आफ्टरनून लंच रूटीन से तो आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट इडली जो कि सूजी से बनता है तो साथ में सांभर भी बनाने वाली हूँ तो ये है अरर दाल जिसको तुअर दाल भी कहते हैं इसको आधा घंटे के लिए मैंने अच्छे से सोख करके रख दिया था दो से तीन बार वॉश करके और इसको मैं प्रेशर कुक करने वाली हूँ तो बस दाल को डाला है मैंने कुकर में थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पानी और इसको करीब चार से पाँच सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि जो दाल है अच्छे से बिल्कुल घुल जाए आप चाहे तो इसमें जो है ना टमाटर वग़ैरह भी ऐड कर सकते हैं और बहुत लोग टमाटर डाल के बनाते हैं जैसे कि मैं इमली भी डाल के बनाती हूँ तो अभी चाहो तो एक टमाटर डाल सकते हैं बट तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है सोक किया हुआ अर डाल है थोड़ा सा हल्दी है पानी ऐड करते हैं और लिड लगा देते हैं तो सांभर में थोड़ा सा जो इमली पड़ता है ना इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है हल्का सा खट्टा बना आता है टमाटर से वो बात नहीं आती है फ्रेंड्स जो कि इमली से आती है तो अक्सर मैं इमली डालती हूँ तो जस्ट इसमें अभी पानी ऐड करना है और इसको रख देते हैं गैस पे फाइव टू सिक्स या जब तक आपका अच्छा खासा जो है ना दाल पक जाए डिपेंड करता है हर किसी के अलग अलग तरीके से जो है ना दाल की सीटी लगती है एक्चुअली किसी का जल्दी पक जाता है कुकर में और कोई कोई पानी ऐसा होता है कि वक लेता है तो मैंने करीब चार सीटी लगाई हूँ मीडियम फ्लेम पर और ये मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट इडली विथ सूजी तो ये फटाफट से बनती है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है तो एक बोल भर के मैंने लिया है सूजी और इसमें वन फोर्थ बोल के करीब दही ऐड करना है ये ताज़ा दही लिया है मैंने और इसमें करीबन एक बोल के करीब और पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए क्योंकि सूजी है ना वो फूलेगा फ्रेंड्स और इसको सोक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो करीब एक बोल के करीब मैंने भर लिया है बाद में भले ऐड कर सकते हैं पहले से ही आप अगर बैटर गीला कर देंगे तो क्या होगा इडली परफेक्ट नहीं बनती है तो अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा और इसको ढक कर रख दीजिए तो कम से कम इसको आधा घंटा या फोटी फाइव मिनट्स इसको रखना होता है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाएगा तब इसकी जो इडली बनती है बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम स्पॉन्जी तो ये कुकर में भी सीटी लग चुका था इसका स्टीम निकल जाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं तो अच्छे से इसको घोट लेती हूँ दाल को और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो है ना सांभर बना लेती हूँ इडली में बाद में चढ़ा दूँगी वो तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी वो सोख हो रहा है तो सांभर बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने डाला है पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है साथ में इसमें थोड़ा सा जीरा और इसमें सरसों ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करते हैं जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है दाल में स्पेशली हींग डालने से फ्लेवर भी बढ़ता है फ्रेंड्स तो हींग डालना भी ज़रूरी हो जाता है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पकने के बाद साबुत लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और इसके बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सा प्याज लहसुन बारीक चॉप किया हुआ और इसमें करी पत्ता फ्रेश ये करी पत्ता है मेरे घर का ही है थोड़ा सा मेरा पेड़ जो लगाया है ना हल्का सा बढ़ने लगा है उसी का फ्रेश करी पत्ता मैंने ऐड किया है और इसमें पकने के बाद मैंने डाला है इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि अभी अगर हल्दी नहीं डालते तो बिल्कुल फीका सा कलर आता है सांभर का तो अभी भी हल्दी डालना चाहिए और इसमें हल्का सा इमली का पानी मैंने डाला था अभी फिलहाल थोड़ा सा और इसको पका लिया था मसाले का कच्चापन हटने तक आप प्लेन पानी भी डाल सकते हो जैसे ही ये पकता है मसाले फिर मैंने इसमें डाल दिया बॉयल किया हुआ ये धुअर दाल और बाकी का जो इमली का पानी है ना मैंने डाल दिया है तो इमली को पहले हल्का गर्म पानी से अगर सोख कर देते हैं ना तो अच्छे से उसका पानी जो खट्टा पानी है निकल आता है तो बस थोड़ा सा इमली का पानी चाहिए होता है ताकि इसमें खट्टापन सा आ जाए और अगर आपको इमली नहीं डालना है तो सिंपल जब बॉईल करते हैं अरहर दाल तो उसमें तीन से चार टमाटर जो होते हैं ना थोड़े से खट्टे वाले वो डाल दीजिए चॉप करके तो साथ ही साथ दाल में भी बॉयल हो जाता है तो बस मैंने इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और साथ ही साथ एवरेस्ट का सांभर मसाला थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था फ्रेंड्स अच्छे से ये सांभर तैयार है अगर आपको वेजिटेबल्स वाला सांभर बनाना है तो बॉईल करके आप इसमें डाल सकते हो मसाले के साथ हल्का सा कुक करके आज मेरे पास जैसे कि सब्जी तो थी बट मेरा मन था प्लेन वाला बनाने का तो मैंने प्लेन सांभर बनाया है विदाउट एनी वेजिटेबल्स तो अब ये अच्छे से जो है ना सूजी फूल चुकी है फ्रेंड्स अब इसमें पानी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे करीब वन हाफ़ कटोरी के करीब मैंने डाला है ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा बिल्कुल छोटी कटोरी होती है ना उसी के बराबर मैंने डाला है और मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखाऊँगी तो नमक आपको डाल देना है स्वाद के हिसाब से ये वीडियो मेरे से जो मिस हो गई थी नमक डालने वाला तो आप इसमें डाल लीजिएगा नमक और एक पाउच इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद ऊपर में हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि इनो जो फ्रूट सॉल्ट ना फटाफट से एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत आप इसको मिक्स करोगे तो ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा आप देख सकते हो जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी थिक है जिस तरह से इडली की होती है अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो बिल्कुल चपटी बनेगी सॉफ्ट नहीं बनेगी फ्रेंड्स तो स्टीमर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए और इसके बाद ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ये इडली के मोल को अच्छे से ब्रश मैंने लगा लिया है और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट इडली बनती है बिल्कुल घुल जाती है मुंह में बस टिप्स एंड ट्रिक्स है कि ज़्यादा जो बैटर है ना उसको पतला नहीं करना है फ्रेंड्स सूजी को अच्छे से फूलने देना है और थोड़ा सा इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करते हैं तो बिल्कुल लाइट बनता है और बहुत अच्छा बनता है तो बस मैंने इसी तरह से प्लेट में मोल्ड्स में सारा कुछ भर दिया है बैटर को और साथ ही साथ पानी भी गर्म हो चुका है इसको रख दूंगी वन बाई वन और ये करीब फिफ्टीन मिनट्स लगा है बनने में डिपेंड करता कई बार जल्दी भी हो जाता है फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है बीच में आप टूथ पिक चेक कर सकते हो कि वो पका है कि नहीं अगर चिपके तो ठीक है थोड़ी देर और पका लीजिए तो इस हिसाब से ही चेक करना होता है कोई भी बेकिंग वाली चीज़ें या स्टीम वाली चीज़ों को बिल्कुल रख के टाइम के हिसाब से नहीं चलता है थोड़ा बहुत हमारा आगे पीछे होता है और ये मैंने थोड़ा सा टूथपिक पिक डाल कर चेक कर लिया है और ये बिल्कुल डन है इसको निकाल लेती हूँ मैं तो अभी ये अच्छा खासा गर्म है जब हल्का ठंडा हो जाए तो ही निकालना चाहिए और आप देख सकते हो बिल्कुल ईजली ये निकल जा रहा है या तो आप नाइफ़ से भी निकाल सकते हो स्पून से ये सिंपल हाथ से इज़ली निकल जाएगा थोड़ा सा बैटर और रखा है मैं उसको भी चढ़ा दूँगी फ्रेंड्स और आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सी स्पॉन्जी इडली बनी है और बाकी का मैंने अभी चढ़ा दिया है बाद में मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी किस तरह से ये बनता है बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी तो अब तैयारी कर लेते हैं चटनी का तो मैं बनाने हूं, वाली हूँ इंस्टेंट टोमेटो वाली चटनी जो फटाफट से बन जाती है जिसको आप बड़े से भी खा सकते कोई भी पकोड़े वगैरह से भी चल जाता है तो मैंने दो बड़े टमाटर के करीब लिया है और इसमें जैसे कि अदरक है प्याज है लहसुन है ये सारा चीज़ हमें डालना होता है ये गर्म पानी में सोख किया हुआ मिर्ची ऐड किया है कम ज़्यादा अपने हिसाब से मिर्च आप डाल सकते हो तो थोड़ा सा पानी मैंने इसी में डाल दिया है गर्म पानी से क्या होगा मिर्ची अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से पिसेगी भी और प्याज है अदरक है लहसुन है इन सभी चीज़ों को डालना है थोड़ा सा मैंने रोस्टेड पीनट ऐड किया यानी भुना हुआ मूंगफली छिलका निकाला हुआ आप इसके जगह में जो रोस्टेड चना दाल होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं वो मेरे पास ख़त्म हो चुका था मैंने मूंगफली डाली है नमक स्वाद के हिसाब से ऐड करना है और इसको अच्छे से पीस लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको लगता है इसमें पानी थोड़ा सा डालने की ज़रूरत है आप डाल सकते हो अभी भी या बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया बिल्कुल फाइन सी चटनी और तुरंत बनने वाली ये चटनी है बस इसमें थोड़ा सा तड़का लगाने वाली हूँ तो ये बन चुका है चटनी को मैंने निकाल लिया है बोल में और इसका सिंपल थोड़ा सा तड़का लगाएंगे सेम वही प्रोसेस होता है तो ये थोड़ा सा इसमें जो है ना मिक्सी जार में मैंने हल्का सा पानी डालकर चटनी में डाल लिया है तो तेल को गरम करना है थोड़ा सा सरसों के दाने ऐड करेंगे और इसको क्रैकल होने देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे और इसको हल्का फ्राई करके बस ये टेम्परिंग डाल देंगे हम चटनी में और कल रात से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और सुबह भी बीच बीच में हो रही है लगातार बारिश और ये बस पक चुका है और ये तड़का लगा देती हूँ जैसे कि चटनी बिना तड़के के अच्छी नहीं लगती है उसी तरह से रायता में जब हम तड़का लगाते हैं ना उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है फ्रेंड्स और चटनी में भी इस तरह से तड़का लग जाती है तो एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है जो टेस्ट बढ़ाता है तो ये चटनी फटाफट से बनने वाली तैयार हो चुकी है आप इसको किसी से भी खा सकते हो तो बाकी का जो बैटर है उससे मैंने इडली बना ली थी और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स और सांभर में जब आप इसको डिप करके खाओगे ना आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इडली किसकी है सूजी की है या चावल और दाल की है क्योंकि ये आप जो अच्छे से भिगोते हो ना जो सूजी को तो उससे ये काफ़ी जो दानेदार है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आप देख सकते हो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट सी इडली बनेगी तो बस ये तैयार है चटनी मैंने रख दी है और प्लेटिंग कर देती हूं, तो यही होने वाला है आज का हमारा लंच तो बस ये वाली स्पाइसी चटनी है एक्चुअली इसमें मिर्च है लाल मिर्च और साथ ही साथ सांभर है इडली है और ये इडली बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट बनी थी ऐसे भी आप इस चटनी से खाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगती है साथ ही साथ सांभर में अगर डालते तो अच्छा खासा ये घुल जाता है इतना ज़्यादा स्पॉन्जी बनाया है फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैं पापा को दे देती हूँ और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मैं और रोशनी अपना लंच और जो भी बर्तन वगैरह है गैस पूछने का सारा कुछ काम इसके बाद मैं करने वाली हूँ तो रोशनी और मुझे अच्छा लगता है बोल में डालकर इडली डाल लेना साथ में सांभर और ऊपर से चटनी जब और एक्स्ट्रा लगता है तो दोबारा से इसी तरह से हम लोग जो है ना खाते हैं तो इस तरह से अच्छा लगता है बिल्कुल सोक हो जाता है सांभर इडली के साथ और ऊपर से थोड़ा सा चटनी डाल लीजिए तो बस रोशनी और मैं करने वाले हैं और इसके बाद मेरा काम एक्स्ट्रा भी पड़ा है किचन को सारा कुछ अभी क्लीन करना रहेगा तो ये एक्चुअली संडे का ब्लॉग है फ्रेंड्स और बाकी दिन तो वैसे जल्दी उठना पड़ता है संडे वाले दिन थोड़ा सा लेज़ीनेस आ जाता है कि चलो जैसे ही अलार्म बजता है फाइव थर्टी एम का करीब करीब तो उसी समय बंद करके फिर से दोबारा से मैं सो जाती हूँ और इसमें क्या होता है बहुत अच्छी सी नींद आती है बाकी दिन तो उठना है टिफ़िन बनाना है स्कूल छोड़ना है बट संडे वाले दिन सोच के रखती हूँ कि नहीं आज तो पक्का उठूँगी जल्दी बट ऐसा हो नहीं पाता है फिर से दोबारा से सो जाती हूँ क्योंकि रोज के वही बोरिंग वाले काम कर कर के भी हम लोग कई बार क्या होता है थक जाते हैं तो एक संडे मिलता है तो सोचते चलो आराम से सो लिया जाए तो बस इसी तरह से थोड़ा सा आराम आराम से हो जाता है इसलिए संडे वाले दिन ज़्यादातर मैं मॉर्निंग का जो है ना शूट नहीं करती हूँ आफ्टरनून से ही शुरुआत करती हूँ तो किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था लास्ट में बस सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ जिससे कि गैस स्टोव आपका बिल्कुल चमक जाता है और बस इसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन है ना थोड़े बहुत नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आज बर्तन हैं एक्चुअली मॉर्निंग के भी बहुत सारे पड़े हैं तो किचन का सारा कुछ क्लीन हो चुका था फ्रेंड्स और जो बर्तन है ना वो मैं बाद में सजाती हूँ जब उसमें से अच्छे से पानी निकल जाता है वरना क्या होता है इसी तरह से अगर आप रख देते हो तो उसमें स्पॉट्स जैसे हो जाते बर्तन में तो बर्तन में से बिल्कुल पानी निकल जाए तभी आपको रखना चाहिए और ये मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है ना एक दो प्रोडक्ट है जो मैंने लगाए नहीं है एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला था मीशो से मैंने परचेस किया था ये एविलाई वाला बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई का एक था इसको और कुछ फ्रेम थे उसको मैं अभी लगा देती हूँ शाम का वक्त है तो साढ़े छः बज चुके थे मैंने रोशनी को बोला रोशनी रिकॉर्ड करो मैं थोड़ा सा लगाती हूँ ये मीसो से बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा कोई भी आप वॉल को बहुत ही खूबसूरत से डेकोर दे सकते हो और कोई भी आपको कीले वगैरह नेल्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट थोड़ा सा इसमें स्टिकर लगा हुआ बैक साइड में ग्लू जैसा उसको बस निकाल के आपको लगा देना है और इजिली बहुत लाइट वेट है लग जाता है फ्रेंड्स तो इस तरह से मैंने ये दोनों ही चीज़ें लगाई थी और शाम का वक्त है बारिश अभी भी हो रही है ये मेरा शू रैक था इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डेकोर कर दिया था और इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह कुछ ऐसे फ्रेम्स कोट्स वाले लगा दिए थे और मनी प्लांट तो इस तरह से हर एक कॉर्नर थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है तो ये शू रैक भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या रखा है तो अभी बाहर का वेदर थोड़ा सा अच्छा हो रखा है बट यहाँ क्या है हमारे यहाँ एमपी सतना में चाहे कितनी भी बारिश आ जाए फ्रेंड्स नेक्स्ट डे उसी तरह से फिर से गर्मी होने लग जाती है ऐसा कोई वेदर में चेंज नहीं होता है बट हाँ आज कंटिन्यूस बारिश थी तो हवा थोड़ी सी चल रही थी तो वेदर अच्छा लग रहा था बट नेक्स्ट डे वही फिर वैसे ही मौसम ह्यूमिडिटी सारा कुछ तो ये शाम का वक्त मैंने सोचा चलो चाय का टाइम हो चुका है और थोड़ा सा टी टाइम स्नैक्स बना लिया जाए तो मैं ब्रेड लेके आई थी एक्चुअली जब इसको कोचिंग से लाई थी तो आलू मैंने उबाल के रखा है आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड कटलेट तो थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने आलू को ऑलरेडी बॉयल करके रख लिया था थोड़ा सा इसमें जीरा सरसों को पकाने के बाद मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च को पका लूँगी और इसमें जो भी सूखे जो मसाले होते हैं ना वो सारा कुछ ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जो सारा कुछ है डालना है मसाले डालिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करती हूँ तो आलू को पहले से ही मैंने बॉईल करके थोड़ा सा मैश करके रख लिया था ब्रेड के साथ बनाने वाली हूँ कटलेट और इसमें हल्का सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा जो स्टफिंग जो मसाले होते हैं ना थोड़ा सा भुना हुआ मसाला रहता है स्टफिंग वाली तो ही अच्छी लगती है वैसे तो आप प्याज वगैरह डाल के सिंपल भी मसाले को स्टफ़ कर सकते हैं बट थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं तो अच्छा लगता है तो आलू का इसीलिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और जैसे ही ये मसाले पकते हैं मैश किया हुआ आलू डाला है धनिया पत्ता ऐड किया है थोड़ा सा अमचूर ज़रूर डालिएगा जो इसका स्वाद बढ़ाएगा अमचूर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देते हैं तो कोई भी स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाता है तो बस इसको आप फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था आलू मैश कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लिया साथ ही साथ मसालों के स्टफिंग बनकर तैयार है आलू की और जैसा चाहो आप ब्रेड रोल्स जैसा भी बना सकते हैं मैं थोड़ा सा कटलेट वाला शेप दूंगी तो इस तरह से मैंने एक ब्रेड जो स्लाइस को ना कटोरी से दबा दिया है थोड़ा सा गोल गोल पीसेस हो चुके हैं दो पीसेस को मैं इकट्ठा करके बनाऊंगी तो इस तरह से थोड़े से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं पानी में डिप करेंगे दो पीसेस को बीच में आलू की मसाले वाली स्टफिंग रखेंगे तो इसी तरह से सारा कुछ कटलेट मैं तैयार कर लूँगी और जैसे कि जितना हो सके पानी जब आप डिप करते हो ना तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए वरना क्या करता है ये ऑयल बहुत ज़्यादा सोखता है कोई भी कटलेट या ब्रेड पकोड़े तो अच्छा खासा बिल्कुल स्क्वीज़ कर दीजिए हाथों से और बीच में स्टफिंग करके दो लेयर लगा लेंगे और बस ये ब्रेड कटलेट को थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे अच्छे से तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए अगर तेल थोड़ा भी ठंडा रहता है तो ऑयल सोखता है ब्रेड तो बस ये सारा कुछ मैंने एक साथ तैयार कर लिया है और बस तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है तभी इसको डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है क्योंकि ब्रेड जल्दी सिक जाता है अगर ठंडे में करेंगे एक तो ये चिपकने भी लग जाता है और साथ ही साथ क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑयल भी लेता है तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है ज़रूर फॉलो कर सकते हैं तो बस ऊपर में गर्म गरम तेल भी ज़रूर डालेगा ताकि पलटते वक्त जो है ना ये चिपकेगा नहीं फ्रेंड्स और जैसे कि एक सेक लेते हैं दूसरा टाइम क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है अगर डाउन हो जाए तो उस हिसाब से कम ज़्यादा फ्लेम कर लीजिएगा तभी सेकेगा तो बस इसी तरह से दूसरा राउंड भी मैं कर लेती हूँ और फटाफट से बस ये ब्रेड कटलेट जो है ना आलू वाली स्टफिंग वाली कटलेट बनकर तैयार है आप भी आइए इंजॉय कीजिए हमारे साथ तो ग्रीन चटनी ऑलरेडी रखी है फ्रिज में साथ में सॉस के साथ हम लोग इसको सर्व करने वाले हैं फ्रेंड्स और यही है शाम का इवनिंग स्नैक्स तो इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ अच्छी खासी इसमें फिलिंग हो रखी है तो ये करीब साढ़े सात बज चुके हैं रोशनी पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना टी वगैरह देखती है मैं भी उसको देखने देती हूँ क्योंकि सारा टाइम बच्चा बेचारा कितना ही पड़ेगा तो वो अभी टी देख रही है मैं चलती हूँ किचन में तो फ्रेंड्स ये जो बचा हुआ दाल है अरहर दाल इसका मैं बनाने वाली हूँ दाल डोबली तो दाल को तो तड़का लगाना है वो मैं बाद में लगाऊंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आटा तैयार होता है ना डालने के लिए डोबली वगैरह उसके लिए आटा बनाना पड़ेगा तो उसकी तैयारी फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेती हूँ और इसको बस तड़का लगा दूंगी इसलिए आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाल जो है ना बॉईल करके रखा था तो फ्रेंड्स डिनर के लिए मैं बना रही हूँ दाल ढोकली और वैसे भी शाम को हमने खाया है तो थोड़ा थोड़ा ये दाल ढोकली खा लेंगे हो जाएगा और दाल को जो सुबह मैंने बॉईल किया था ना उसी में से मैंने थोड़ा सा अर दाल बचा के रख लिया था क्योंकि दाल ढोकली अरहर दाल का ही बनता है यानी तुअर दाल बॉयल किया हुआ तो उसके लिए सबसे पहले जो ढोकली बनाने का होता है उसके लिए मैंने लिया है एक बोल में एक छोटे बोल के करीब आटा और उसमें दो चम्मच डाला है मैंने इसमें बेसन थोड़ा सा अजवाइन थोड़ा सा नमक डालते हैं जो भी मिर्च मसाला है आप इसमें डाल लीजिए तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला हल्दी ज़रूर डालिएगा ढोकली का कलर अच्छा सा आता है फ्रेंड्स और सुबह मैंने डिसाइड कर लिया था कि थोड़ा सा अर दाल मैं बचा के रखूँगी बॉयल किया हुआ जो शाम को मैं ढोकली बनाऊँगी काफ़ी दिन से नहीं बनाया है तो आज मन कर रहा था खाने का तो इसका जो है ना आटा वगैरह लगता है फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा एक चम्मच के करीब ऑयल डालना होता है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और इसमें हल्का हल्का पानी डालकर बस इसका सेमी सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे और बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं बहुत ज़्यादा भी पतला आटा नहीं तैयार करना होता है तो बीच का आटा बिल्कुल तैयार करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका आटा तैयार कर लिया है इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे तब तक मैं जो है ना दाल का तड़का लगा देती हूँ बस इसको कट पीसेस करेंगे बेल के और फटाफट से डाल ढोकली बनकर तैयार हो जाती है तो दाल छोंकना बहुत ही ज़्यादा आसान है तुअर दाल ऑलरेडी बॉईल किया है तो बस मैंने तेल डाला है पैन में थोड़ा सा लौंग लाल मिर्च एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा सरसों और जीरा भी पड़ता है फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हींग और करी पत्ता जैसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं सबका तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है बनाने का और इसमें प्याज अदरक लहसुन इन सब को आप डालिए या ना डालिए आपकी मर्ज़ी स्पेशली प्याज डालना ज़रूरी नहीं है बट हाँ इसमें मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया है इसमें हरी मिर्च ऐड किया है लहसुन और अदरक भी मैंने डाला है और इसमें करी पत्ता डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी आप चाहे तो इसमें जैसे कि अदरक और मिर्च डाल सकते हैं लहसुन पसंद नहीं है तो मत डालिए बट हाँ टेस्ट अच्छा आएगा तो इसके बाद जैसे ही ये सारा कुछ भुन जाता है मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है दाल का जो पानी था उसे ही ऐड कर लिया है प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं और इसमें दो टमाटर चॉप किया हुआ डाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ढककर स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि ये जो टमाटर है ना बिल्कुल अच्छे से पक जाए तो फोर टू फाइव मिनट्स मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको पका लिया था टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल लूँगी एक बोल के करीब ये जो बॉईल किया हुआ अर दाल है यानी तुअर दाल को ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी को एडजस्ट करेंगे करीब एक बोल के करीब करीब इसमें डालेंगे क्योंकि अभी इसमें ढोकली डालने के बाद और ये पकेगी फ्रेंड्स तो इसमें मैंने डाला है मूँगफली तो मूँगफली को मैंने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोख करके रख दिया था उसको आप डाल लीजिएगा या तो बॉयल करते वक्त भी आप मूँगफली को कुकर में कर सकते हैं अर दाल के साथ पका सकते हैं थोड़ा सा इमली का पानी डाला है जिससे कि हल्का सा खट्टा पनाएगा फ्रेंड्स और ये जो होती है ना दाल ढोकली गुजराती डिश है थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है और इसमें स्वाद के हिसाब से मैंने नमक डाला है पानी इसमें थोड़ा सा अच्छे से डालेगा क्योंकि अभी हम इसमें ढोकली डालने वाले हैं तो वो भी पकेगा पानी थोड़ा सा कम होता जाएगा तो इसके लिए आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है बस मैं सिंपल आटे को जैसे कि बनाते हैं ना चपाती थोड़ा सा ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं तो इस तरह से बेल लेते बड़ी सी एक रोटी बेल लीजिए और जैसा चाहो शेप आप इसका कर सकते हैं नाइफ़ से आप इसको कट कर लीजिए तो ढोकली में मूंगफली भी डलता है तो मैंने पहले से बॉयल नहीं किया था इसीलिए मैंने गर्म पानी में मूंगफली को सोख करके रख दिया था ताकि हल्का सा वो नरम हो जाए इसीलिए इस समय भी आप डाल सकते हो मूंगफली को तो इसीलिए मैंने बाद में ही डाला है और इस तरह से जो है पीसेस में मैंने कट कर लिया है डायमंड शेप ट्राइंगल शेप जैसा चाहो आप कर सकते हो या अलग शेप भी है ना वो भी कर सकते हो तो बस आप देख सकते हो फ्लेम मैंने अभी फ़िलहाल स्लो रखा था और इसमें डाल दिया है सारे ही जो ढोकली है ना वो मैंने डाल दिया है और इसको सिंपल आपको टेन मिनट्स और कुक करने देना है बीच बीच में थोड़ा सा चला लेना है ताकि बॉटम पैन में जल ना जाए तो सारा मैंने डाल कर दस मिनट बस इसे कुक करना होता है तो ढोकली डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ता है क्योंकि ये जो होता है ना दाल ढोकली हल्का सा खट्टा मीठा होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा बस गुड़ डालिएगा और साथ ही साथ ये भी मेल्ट हो जाएगा दाल में और इसको दस मिनट मैंने कुक करने के लिए रख दिया था बीच बीच में थोड़ा सा चला लिया था और ये बनकर तैयार है अच्छा खासा ये ढोकली पक चुकी है दाल भी आप देख सकते हो थोड़ी सी थिक हो चुकी है थोड़ा सा थिक वाला मुझे दाल ढोकली ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है फ्रेंड्स खा के पेट भर जाता है क्योंकि एक तो रोटी का भी काम करता है दाल का भी काम करता है ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कीजिए और बस थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए बस ये तैयार है दाल ढोकली तो बस इसी का हम लोग करने वाले हैं डिनर थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे फ्रेंड्स तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा एंड थैंक्स टू ऑल माय लवली व्यूवर्स कीप सपोर्टिंग लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ